Hey guys, what's up? I hope you are guys very well and welcome back to my channel. My name is Munju and guys, आज की इस वीडियो में हेयर फॉल की बात करने वाले हैं guys, हेयर फॉल. तो हेयर फॉल होना इट्स नॉर्मल, सबको होता है, हर एज ग्रुप को होता है, चाहे आप टीनेजर हो, अडल्ट हो, 30+ हो, 40, 50, जो भी हो, हेयर फॉल सबको होता है. हेयर फॉल होना भी थोड़ा लाजमी है, बट हेयर फॉल ज़्यादा हो जाए तो इट्स नॉट नॉर्मल गाइस, बिकॉज कि बाल आपके 80 से 100 बाल अगर वो झड़ते हैं तो ये नॉर्मल है. अगर इससे ज़्यादा बाल झड़ते हैं एंड जगह जगह से आपके एक साथ गुच्छे के गुच्छे बाल झड़ रहे हैं, नॉट नॉर्मल. आप अपने डॉक्टर को, सबसे पहले अपने डॉक्टर को दिखाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए वो क्या कहते हैं, देन आप होम रेमेडीज यूज़ कीजिए. अगर आपके नॉर्मल बाल झड़ रहे हैं, आपको लग रहा है ज़्यादा झड़ रहे हैं और केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो देन आप जो बताने वाली हूँ वो ट्राई करके देखिएगा. मैं 100% श्योर होकर कह रही हूँ आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे एंड आप अपने बालों में इंप्रूवमेंट देखेंगे जब आपसे आप रेगुलर बेस पे यूज़ करने लगेंगे. बिकॉज क्या है कि हम अपनी स्किन केयर करते हैं बट अपने अपने बालों को छोड़ देते हैं. ज़रूरी नहीं है आप अपने बालों में कोई पैक वगैरह लगाओ तब उनकी गुणवत्ता बढ़ती है, बट हमें अंदर से भी अपनी बॉडी को ऐसा रखना चाहिए, अपनी हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, जंक फूड वगैरह छोड़ देना चाहिए, प्रॉपर पानी पीना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए. इससे काफ़ी आपको इम्प्रूवमेंट आपको खुद देखने को मिलेगी. तो जो आज मैं बताने वाली हूँ गाइस, मैं कह रही हूँ कि 100% कह रही हूँ आपके हेयर फॉल रुक जाएंगे, बट एक बार या दो बार या तीन बार में बिल्कुल नहीं होगा गाइस. अगर आप इसका रेगुलर बेस पे यूज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ही फर्क देखने को मिलेगा. एक वक्त था मेरे बाल बहुत झड़ते थे एंड झड़ते अभी भी हैं, पर 5 से 6 बार तो बहुत नॉर्मल है. और आप खुद भी जानते होंगे हेयर फॉल वाली प्रॉब्लम सबको, या किसी भी सुनेंगे तो सब कह रहे होंगे यार मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं, बता क्या ट्राई करूँ मैं, ऐसे क्या लगाऊँ. तो जो मैं बताने वाली हूँ वो ट्राई करके जरूर देखिएगा. रेगुलर लगाएंगे तब आपको फ़र्क दिखेगा. अगर आप सोचे एक दो बार लगा के तो रहने दीजिएगा. अगर आप बाल से इन सब चीज़ों में तो प्लीज़ वीडियो मत देखिएगा. एंड देन अगर आप ज़्यादा ही पॉजिटिव हो अपने बालों के लिए तो प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा. एंड ये जो बताने वाली वो तो अप्लाई करना ही करना साथ के साथ ऑनियन जूस, इट्स बहुत ही अमेजिंग है आपके बालों के लिए. मैंने यूज़ किया है, इसका रिजल्ट जस्ट वाओ. जो भी मुझसे पूछता है कि हेयर फॉल रुकने के लिए क्या है सबसे अच्छा और सस्ता उपाय, तो मैं कहती हूँ ऑनियन जूस. आपको कुछ खरीदना नहीं है, घर के ही इंग्रेडिएंट हैं, लगा लो यार. आपको लगता है स्मेल वगैरह, आप ऑनियन नहीं खाते तो हिट टाइम ट्राई कर सकते हो. जो मैं बताने वाले अगर ऑनियन यूज़ कर सकते हो तो सब इससे बड़ी अच्छी चीज़ आपको मिलेगी नहीं मार्केट में. मैं अप्लाई करती हूँ, देन मैं आपको सजेस्ट करी. अगर आपने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, तो आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा, इसके बाद उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा. तो मैं इस वीडियो में जो बताने वाली हूँ, आप लास्ट की वीडियो जो देखे जल्दी इसमें देख दिखा देती हूँ आपको इसे अप्लाई कैसे करना है. तो जल्दी से देख लेते हैं, लेट्स बिगिन गाइस. फर्स्ट आपको चाहिए ब्लैक पेपर यानी कि काले मिर्च. इसमें एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है, इसमें विटामिन ए होता है, कैरोटीनॉइड्स की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो आपके हेयर फॉल को रोकने में हेल्प करती है. इसको आपको लेना है जितना मैंने लिया है, 15 से 20 आपको दाने ले लेने हैं ब्लैक पेपर के. इसको क्या करना है, फिर क्रश कर लेना है. फिर मैंने लिया है इसमें ऑलिव ऑयल, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, बट ऑलिव ऑयल ज़रूर लेना है क्योंकि इसमें विटामिन ई की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो कि आपके बालों को जड़ से मजबूत बनाता है, आपके बालों का झड़ना रोकता है. अब इसको मैंने ऑयल ले लिया, जितना अमाउंट आप अपने बालों में लगाते हैं उतना ही लेना है आपको. अगर आपके छोटे बाल हैं तो ब्लैक पेपर का अमाउंट कम कर दीजिएगा. फिर इसे डबल बॉइलिंग प्रोसेस की हेल्प से इसे गर्म कर दें, जिससे क्या होगा जो काली मिर्च की जितनी भी गुणवत्ता होगी वो सारे आपके ऑयल में एब्जॉर्ब हो जाएगी. एंड ये तैयार है आपका ऑयल बालों में लगाने के लिए. अब इस ऑयल को अपने स्कैल्प पे लगाएंगे. मेक श्योर आपके स्कैल्प एकदम क्लीन होनी चाहिए. इसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना, उसके बाद शैम्पू कर लेना है. मेक श्योर कि मसाज बहुत अच्छे से करने से ब्लड सर्कुलेशन आपका हेल्पफुल नहीं होगा. इस वीडियो थोड़ी बहुत ही हेल्पफुल लगे तो कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करने में शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ जिनको हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है. एंड साथ के साथ ऐसी और भी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना. कुछ क्वेरी वगैरह हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर दूंगी आपके क्वेश्चन का. तो मिलते हैं हमें कॉल खास वीडियो में. सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए. तो मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो तक. बाय बाय, टेक केयर, सी यू.